वेलकम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फरहान कम्युनिकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। नमस्ते फ्रेंड, फरहान कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल का जो WBSEDCL का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप कैसे पे करेंगे, उसके लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। उसके लिए जो एक ऐप आई है, बहुत ही अच्छी ऐप जहाँ से कोई चार्जेस नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से जो है 1-2 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों, सिंपली आप अपने मोबाइल पे आ जाइए और प्ले स्टोर पे क्लिक कर लीजिए, और प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फोन पे। तो यहाँ पे आप लिख डालिए फोन पे, और ये यहाँ पे देखिए, ये पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। और फोन पे का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 4.4 का रेटिंग है और 10 मिलियन का इसका यूजर है, और मैं इसको पहले ही इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे, तो जब भी हम ओपन पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्टर का ऑप्शन। वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको एंटर करना है आपका फुल नेम। तो जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है, उस एंटर किया मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। और फिर नीचे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस डालने को बोल रहा है, वो ऑप्शनल है, आप चाहे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। फिर आपको जो है 4 डिजिट का एक पासवर्ड सेट करना होगा, उसके बाद आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ओटीपी को डाल दिए हैं, और ये देखिए वहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल आ गया, मेरा जो है मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अभी हम यहाँ पे पिन सेट करेंगे, पिन सेट करने के बाद जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम कंटिन्यू पे जब भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमको जो है अकाउंट ओपन करके दे देगा फोन पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल रहा है ऐसा एक इंटरफेस। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा ऐप से, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जब भी पे करेंगे इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी हम सिंपली जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टोटल इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, यहाँ पे सबको आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे नीचे देखिएगा वेस्ट बंगाल का है, और कलकत्ता का जो ESC कलकत्ता का है उस पर भी आप जो है बिल पे कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का WBSEDCL का भी बिल पे कर सकते हैं। टोटल इंडिया का सभी का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं WBSEDCL के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे सिंपली आप अपना कस्टमर ID डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम अपना जो कंज्यूमर ID है वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, उसके बाद हम डालेंगे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है, अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको पेमेंट के ऑप्शन पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे हमको सिंपली UPI में ही जो है रख देना है, और यहाँ पे सिंपली एक टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे हमको कंटिन्यू करना होगा। तो जब भी हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के तुरंत ही जो है मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो जाएगा। उसके बाद आपको कैसे रिसिप्ट को जनरेट करना है वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो इसके लिए वीडियो को कंटिन्यू रखिए, और हम अभी जाते हैं अपने वेब ब्राउजर में और जाके आपको दिखाते हैं कि कहाँ से जो है आप रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपली और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी मेरे वॉलेट में बैलेंस कम है, इसीलिए जो है हम इसको पे नहीं कर रहे हैं। तो वॉलेट में बैलेंस डाल के हम इसको पे कर देंगे। ऐसे हम और भी आगे काम किए हैं, और फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस बता रहे हैं कि यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी सिंपली आप यहाँ पे कंटिन्यू जब भी कर देंगे ना, 2 सेकंड के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो जाएगा WBSEDCL का। तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, और
फिर आपको ब्राउजर में जाके जो है आपका रिसीव को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए वो प्रोसेस भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने ब्राउजर में हैं और गूगल में यहाँ पे सिंपली सर्च किए हैं WBACDCL। उसके बाद ये जो पहला वाला लिंक दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके जो क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा WBACDCL का वेबसाइट। यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड पेमेंट रिसीप पे आपको क्लिक करना, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आप जो कस्टमर का कंज्यूमर आईडी डाल के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, उस कंज्यूमर आईडी को यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को डाल दीजिए और फिर प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे आप जब भी क्लिक करते हैं तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू सक्सेसफुल पेमेंट हिस्ट्री, व्यू पेंडिंग फेल्योर हिस्ट्री। तो आपको व्यू सक्सेसफुल पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जितना भी पेमेंट किया है, यहाँ पे आपको जो है पेमेंट रिसीप दिखाई देगा और यहाँ पे व्यू करके जो है आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे व्यू कीजिएगा, आपके नया एक विंडो पे पीडीएफ खुल के आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आपको सेव कर लेना है। सेव करके दोस्तों आप प्रिंट आउट करके जो है कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा रखते हैं मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।